हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लर्निंग नेवर एंड्स। इन माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव डिस्कस्ड लिस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट एंड हाउ वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द लिस्ट, देयर इंडेक्सिंग। नाउ इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अ वेरी कॉमन प्रोग्राम, दैट इज़ राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। मीन्स एक लिस्ट है, उसके एलिमेंट्स को आपको का सम करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें नोट लिखा हुआ है, लिस्ट शुड बी यूज़र डिफाइंड। मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग कोई लिस्ट नहीं ले सकते हैं, लिस्ट क्या होगी, यूज़र डिफाइंड होगी। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज़र डिफाइंड करूँगी, आफ्टर दैट मैं एक नॉर्मल केस बनाऊँगी जहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग भी लिस्ट को ले सकते हैं। राइट, तो यूज़र डिफाइंड लिस्ट होगी तो ऑब्वियसली लिस्ट स्टार्टिंग में क्या होगी, एक एम्प्टी लिस्ट होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें यूज़र डिफाइंड लिस्ट है, मीन्स यूज़र ही इसमें वैल्यूज को इंसर्ट करेगा। राइट, तो लिस्ट इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। अब उसकी साइज भी होना चाहिए, तो साइज क्या होगा, इंटीजर में होगा ऑब्वियसली लिस्ट का। साइज मीन्स नंबर ऑफ इंडेक्स, राइट, लेंथ ऑफ द लिस्ट। राइट, सो साइज हो गया। अब क्या होगा, हम लूप यूज करेंगे, फॉर आई इन रेंज, बिकॉज लूपिंग होगी, बार बार इंडेक्सिंग पर वैल्यूज हमें पुट करना है, तो ऑब्वियसली इटेशन यूज होगा। सो फॉर आई इन रेंज कहाँ तक यूज होगा, लेन ऑफ लिस्ट तक, जो भी लिस्ट की लेंथ है वहाँ तक हमें है। तो अगर मैं लेन ऑफ लिस्ट लिखती हूँ तो बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू 1 हो जाएगी और बाय डिफॉल्ट स्टार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इसके प्लेस पर नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हो, 0, लेन ऑफ लिस्ट, 1। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट में ये लिखा है क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट आपकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 होती है और स्टेप क्या होता है, 1 होता है इन दी फॉर लूप ऑफ पाइथन। राइट, सो फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ लिस्ट, लिस्ट तक। तो अब क्या करना होगा, इसमें मुझे वैल्यूज को पुट करना है। तो वैल्यूज होगा, वैल्यूज क्या होगी, अब मुझे बाद में उनका सम भी निकालना है, तो वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ऑलवेज इंटीजर टाइप होनी चाहिए, क्योंकि मैं ऑब्वियसली स्ट्रिंग का या किसी का सम तो नहीं निकाल सकती, नंबर्स होने चाहिए सम के लिए। राइट, स्ट्रिंग्स का सम का क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ भी नहीं। तो वैल्यूज इक्वल टू इंट इनपुट। राइट, तो आपके यूज़र क्या करेगा, बार बार वैल्यू देगा, उस वैल्यू को आप किस में अपेंड कराओगे, लिस्ट में। तो लिस्ट में कुछ भी वैल्यू को ऐड करने के लिए आप अपेंड फंक्शन यूज़ करते हो, अपेंड, और वो वैल्यूज़ को मैंने उसमें करा दिया। ठीक है, बार बार किया और लास्ट में मुझे क्या मिल गई, लिस्ट मिल गई। तो जब लूप बार बार यूज़ होगा और बाद में मुझे लिस्ट हो जाएगी, उस लिस्ट को मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया। ठीक है, प्रिंट लिस्ट। तो अभी तक क्या है, ये यूज़र डिफाइंड लिस्ट है, यूज़र डिफाइंड लिस्ट हो गई। जैसे लिस्ट की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट की वैल्यू यूज़र ने दी स्टार्टिंग में, अब इसका आउटपुट कैसे होगा, एक एम्प्टी लिस्ट थी। साइज, फॉर एग्जाम्पल साइज है पहले, तो साइज उसने दिया 4, तो यहाँ 0, 1, 2, 3 तक हो गया। ठीक है, 4 एलिमेंट्स हो गए। नाउ वैल्यूज 1 दी, देन 3 दे दिया, फिर 5 दे दिया, 7 दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी लिस्ट हो गई, यूजर डिफाइंड। ये मेरा आउटपुट साइड है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पर 1, 3, 5, 7 दीज आर दी, साइज क्या हो गया, 4 हो गया, और इंडेक्सिंग कहाँ से हो गई, 0, 1, 2, 3, और यू कैन से -1, -2, -3, -4 व्हेन वी गो फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द लिस्ट। राइट, और अब इसका क्या करना है, मुझे सम फाइंड आउट करना है। सम के लिए ऑब्वियसली मुझे हर इंडेक्स के लिए क्या करना होगा, उसकी वैल्यू को बार बार एडअप कराना होगा। तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन लेना, एक सम करना है। तो सम को मैंने स्टार्टिंग में 0 ले लिया। 0 क्यों लिया, क्योंकि 0 पे कुछ भी ऐड करते हैं तो वो नंबर ही आता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए हम सम को 0 लेंगे। 1 लेते तो ऑब्वियसली 1 ऐड एक्स्ट्रा आती वैल्यू हमारी, तो सम को मैंने क्या लिया, 0। राइट, नाउ अब क्या करना होगा मुझे, लिस्ट को, ये मेरी लिस्ट है 1, 3, 5, 7, इनकी वैल्यूज़ को मुझे क्या कराना है, सम कराना है। तो मैं लूप यूज़ करूँगी, फॉर आई इन रेंज, आप आई 2 बार भी लिख सकते हैं क्योंकि इट इज़ अ लोकल वेरिएबल, कोई ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, तो आप
बार दो ऐसे नहीं है, अदरवाइज जे के कुछ भी लिख सकते हैं, आपके पास ए टू जेड बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, 26 वेरिएबल्स आते हैं। तो फॉर आई इन रेंज लाइन ऑफ लिस्ट किया, अब सम इक्वल टू क्या होगा, सम प्लस सम की वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो है प्लस ऑब्वियसली इंडेक्स आई है, बट उसकी वैल्यू कैसे असाइन होगी, वो होगी लिस्ट ऑफ आई, तो लिस्ट ऑफ आई यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग सम इक्वल टू सम प्लस लिस्ट ऑफ आई। नाउ लास्ट में जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं मेरे पास सम की वैल्यू आ जाएगी, वो मैं सम प्रिंट कर दूंगी। ठीक है, अब ये प्रोग्राम कैसे चलेगा ये देखिए, स्टार्टिंग में मैंने साइज लिस्ट मेरी मिल गई, अब ये वाला चीज़ कैसे होगी, तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी, ज़ीरो, ऑब्वियसली स्टार्टिंग वैल्यू फॉर लूप में क्या होती है, ज़ीरो होती है, अगर बाय डिफॉल्ट लिख भी सकते हैं तो ज़ीरो, तो लिस्ट ज़ीरो, लिस्ट ज़ीरो में क्या वैल्यू है, वन है, तो सम क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो प्लस वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, फिर वन प्लस, फिर नेक्स्ट लाइन में लिस्ट की वैल्यू, अब ये अपडेट होगा तो ये थ्री पर चला जाएगा, मींस आई की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो था, ये वन है, वन हो गई, वन पर कौन सी वैल्यू है, लिस्ट ऑफ वन थ्री है, तो ये सम पहले क्या था, अपडेटेड वैल्यू वन थी, तो वन प्लस थ्री हो जाएगा, वन प्लस थ्री कितना होता है, फोर, तो सम की वैल्यू क्या हो गई, फोर हो गई। फिर फोर प्लस नेक्स्ट है फाइव, फिर फाइव, फोर प्लस फाइव नाइन हो गया, फिर नाइन होगा, फिर ये आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, लास्ट में सेवन आ जाएगा लिस्ट ऑफ आई, तो वो नाइन प्लस सेवन सेवनटीन आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी सिक्सटीन। ठीक है, तो ये सम की वैल्यू है, लास्ट में वो लूप का कंप्लीट होने के बाद आप उसको प्रिंट कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड कमेंट ऑन इट, मैं जो भी आप प्रोग्राम बोलेंगे वो मैं बनाऊँगी, आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हैं अपनी क्वेरी। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।